स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब। अगर आप सभी को आवाज़ आ रही है तो जल्दी से बताइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जनरल स्टडीज़ की बात हम करने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 50 MCQs की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि SSC, CDS और जो आपके RRB NTPC है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उन्हें कैसे आंसर देना है, ठीक है। जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशंस एंड व्हाट शुड बी द आंसर टू देम, राइट। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल बिटवीन द हाई टाइड एंड नीप टाइड एट ए गिवन प्लेस, ठीक है, एट ए गिवन प्लेस, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटों और में कितना अंतराल होता है, 12 घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है कि 12 घंटे 26 मिनट का होता है कि 15 घंटे 30 मिनट का होता है कि 24 घंटे का होता है। चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग क्या होगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग एवरी वन। देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं बस वही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको उनके आंसर्स पता होने चाहिए। अब बात हो रही है हाई टाइड और नीप टाइड की, ठीक है, मतलब ये दो ऐसे ज्वार भाटे हैं जब हम पृथ्वी पर, आप जानते हैं, दो बार ज्वार भाटे आते हैं और ये इनका जो समय अंतराल होता है वो लगभग हम लोग पढ़ते हैं 12 घंटे का होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 घंटे 26 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रिया ने आंसर दिया है, कमल ने दिया है और नीलम ने दिया है, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया और बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है ये कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी किस जगह लोकेटेड है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर को जरूर लिख दिया करिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा इसमें दिल्ली लिख दिया है, ये केरला है, राजस्थान नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो हिंदी पे ध्यान मत दो क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश की मानी जाती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, ठीक है, भारत में जो भारत की जो संसद होती है वो किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी, आप समझो इस बात को कि आपके लिए वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए और आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, एक ही ऑप्शन सही होगा जो कि ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है, सामान्य बहुमत चाहिए होता है किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए और ये तब तक एप्लीकेबल नहीं होता जब तक इस पर प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देते, ध्यान रखना जब तक प्रेसिडेंट इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ लागू नहीं होगी, भले ही पास हो गई हो लेकिन प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे उनके जब वो साइन कर देंगे तब आपका ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा कि हाँ भाई अब ये राज्य अलग हो गए और आपको पता है कि राज्य को किस रूप में अलग किया जा सकता है, तो ध्यान रखना राज्य को लिंग्विस्टिक बेस पर बनाया जा सकता है, लिंग्विस्टिक बेस पर बनाया जा सकता है, ध्यान रखना लिंग्विस्टिक बेस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर आप राज्य को बना सकते हो, जैसे बहुत सारे राज्य बने हैं, जैसे जब हमारे पंजाब बना था और अभी आपने रीसेंट केस देखा, रीसेंट केस में हम लोग अगर पढ़ें तो ये जो आपका तो ये तेलंगाना बना,
ठीक है, तेलंगाना अलग किया गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बाकी सारी जगहों से। तो आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया तो तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप इंडियन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो लिंग्विस्टिक बेस पर तो राज्य बना सकती है लेकिन कास्ट के आधार पर राज्य नहीं बना सकती। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसके लिए बहुत साधारण मेजोरिटी होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज स्टेटेड दैट द सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा हिंदी इसकी गलत लिखी हुई है तो आप हिंदी पर ध्यान मत दीजिए। आपके ऑप्शंस हैं केशव नंदा भारती केस, एस आर बॉम्बई केस, इंदिरा सिन्हा केस और मानवेरा मिल केस। ध्यान रखना जो केशव नंदा भारती केस और मालवेरा मिल केस था, ये आपके बेसिक डॉक्ट्रीन पर थे, बेसिक डॉक्ट्रीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप भारत के संविधान में जो लिखा गया है उसकी परिकल्पना को नहीं बदल सकते, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। तो केशव नंदा भारती केस और मानवेरा मिल्स वो था। इंदिरा सविनय केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो ये आपको पढ़ना नहीं है। आपको याद क्या रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एस आर बॉम्बई केस। और ध्यान रखना एक बार इसका ईयर भी पूछा गया तो ये 1994 में हुआ था। ठीक है, दिस वॉज डन इन 1994। ठीक है, 1994 में ये निर्धारित कर दिया गया था कि सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, मतलब हिंदी में कहा जाता है धर्म निरपेक्षता और साम्य, वो जो फेडरलिज्म होती है, ठीक है, संघ सरकार, जो संघीय प्रणाली होती है, क्योंकि भारत को क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है, अर्ध संघीय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ तीन तरीके की सिस्टम्स चलते हैं। आपने देखा होगा एक अपने यहाँ होती है यूनियन गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पर मेयर आप चुनते हो, ठीक है, प्रधान गांव में चुने जाते हैं, स्टेट में से चीफ मिनिस्टर हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और यूनियन गवर्नमेंट में आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। तो भारत की जो सेकुलरिज्म थी, सेकुलरिज्म मतलब जो समाजवाद था, और फेडरलिज्म की बात अगर हम करें तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, मतलब ये हो जाता है आपका फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता है कि इसमें एक चीज हम नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर तीन चीजों से, हम तीन टीयर में हम भारत के मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइड करते हैं और वहां से उसका काम चलाया जाता है। तो ये चीज निर्धारित हुई थी एस आर बॉम्बई केस में और ये 1994 में हुआ था। गुड मॉर्निंग यामिनी, चलो सभी का आंसर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज बहादुर, इसका आंसर एस आर बम्बई केस होगा, तुम्हारा आंसर गलत है। प्रशांत, 53 का आंसर बी होगा। स्वाति, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, केशव नंदा भारती केस और मानवेरा मिल केस बेसिक डॉक्ट्रीन पर थे। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, इनके लिए ये दिया गया था। जबकि एस आर बॉम्बई केस में ये बात कही गई थी कि भारतीय संविधान जो है उसका जो मूल काम है वो सेकुलरिज्म मतलब समाजवाद और फेडरलिज्म, ठीक है, उस पर आधारित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो कह रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जियो प्रवासी पब्लिसिटी फेज टू स्कीम इन विच स्टेट। संघीय सरकार ने हाल ही में जियो पारसी प्रचार चरण दो योजना की शुरुआत किस राज्य में की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी आपको पता होना चाहिए, ये मुंबई से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर, गुड मॉर्निंग तेज बहादुर, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जियो प्रवासी पब्लिसिटी फेज, याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये करंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो जियो पब्लिसिटी फेज टू स्कीम जो है वो आपकी डाली गई है, कहाँ से शुरुआत की गई है, महाराष्ट्र से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा एनएसजी ग्रुप, ठीक है, नेशनल न्यूक्लियर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्लियर, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत नहीं आता और ये ग्रुप क्या करता है, यूरेनियम की जो संसाधन है उनको, मतलब किसको देना है किसको नहीं देना है, कैसे देना है, क्या चीज़ इसमें पॉजिटिव होना चाहिए,
क्या चीज़ हम मतलब दुनिया के अच्छे के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब न्यूक्लियर एनएसजी ग्रुप बनाया गया था, जिसमें भारत एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है। ध्यान रखना, एनएसजी में भारत को मेंबरशिप नहीं मिली है, भारत इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनएसजी ग्रुप, क्लियर। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार पाए गए हैं, क्लियर। तो 56 का आंसर होगा ए ऑप्शन। स्वाति बेटा, इसका आंसर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया गया है। अगर आपको 1 साल पहले की बात थोड़ी सी अगर याद हो, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मांगा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को मना कर दिया था। तो भारत में अब जानते हो किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इंडिया यूजेस, इंडिया के अंदर हम जब यूज़ करते हैं तो हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, और थोरियम भारत में बहुत है, ठीक है। थोरियम का इस्तेमाल कर लिया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है थोरियम, और थोरियम के साथ हमें थोड़ा बहुत जो कहीं दूसरी जगहों से मिल जाता है वो U-235 है, ठीक है, U-235। तो वो हमने चाहे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा भी हमें देने को तैयार है, USA से भी हम लेने को तैयार हैं, हमें रशिया ने भी दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस चीज़ को मना कर दिया है। और ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम के सबसे बड़ा भंडार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयाम में इंक्रीज ग्रेजुअली अनुक्रमित वृद्धि होती है, डिक्रीज ग्रेजुअली अनुक्रमित कमी होती है, इंक्रीज आफ्टर विल डिक्रीज एंड डिक्रीज आफ्टर विल इंक्रीज, ठीक है, बढ़ने के बाद कमी होती है कि कमी घटने के बाद कमी होती है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपने एक चीज़ याद करी होगी कि पानी जो होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या करता है, डिक्रीज करता है वॉल्यूम उसका, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, और फिर 4 डिग्री के बाद 10 डिग्री तक जाने में उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और इसी को कहा जाता है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असंतुलित व्यवहार, ठीक है। ऑल्दो होना क्या चाहिए, जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलनी चाहिए, होता क्या है पानी के साथ ऐसा नहीं होता, पानी 0 से 4 डिग्री तक क्या करता है, सिकुड़ता है, उसके बाद फैलता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्यों सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहले इंक्रीज करती है, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इज दिस क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सभी को समझ आ रही है बातें, ये बात सभी को समझ में आई है। 57 का आंसर होगा सी ऑप्शन, रशि, तेज बहादुर और कमल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, क्लियर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती करने के कोई चांसेस नहीं, आप ऐसे समझ लो भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा वो होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, घनत्व होता है, घनत्व ज़्यादा कैसे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कैसे हो जाएगा भाई, होना चाहिए तो 0 पे होता, मैक्सिमम डेंसिटी जो है वाटर की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती है, तो 4 डिग्री पर होने के लिए पहले तो उसे और सिकुड़ना पड़ेगा, बात समझे, तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम सबसे पहले कम होगा, अच्छा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ध्यान रखना पहले उसके वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास बोला गया ना, ठीक है ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप ध्यान रखना वहां पर पहले वॉल्यूम क्या होता है, घटता है उसके बाद बढ़ता है, तो करेक्शन कर लो, इसका आंसर डी होगा, सही है, जिन लोगों ने डी आंसर दिया था वो सही होगा, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो, बस आप यहाँ से इतना याद रखो कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वॉल्यूम कम होता है, उसके बाद 4 डिग्री से 10 डिग्री तक वॉल्यूम बढ़ता है, और इसी को एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोसफियर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, हायर देन द प्रेजेंट वर्तमान से अधिक होगा, लेस देन द प्रेजेंट वर्तमान से कम होगा, वही रहेगा, रिमेन द सेम, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा।
हाँ, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर डी दिया है उन सबका सही है, बाकी सबका गलत है, क्योंकि पहले वॉल्यूम कम होता है फिर बढ़ता है। ठीक है, 58 का आंसर कमल ने कहते हैं सी ऑप्शन, प्रिया ने कहा है सी ऑप्शन। सीधी सी बात है भाई, आप एक चीज समझ लो कि जो CO2 होती है वो एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस अकेली ऐसी गैसेस होती हैं जो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करती हैं, इंक्रीज करने का काम करती है। अब आपने इसका टेम्परेचर हटा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी तो पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तापमान मिलेगा तो, क्योंकि सूर्य तो उतनी तेजी से चमक रहा है, तापमान तो मिलेगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा तो पृथ्वी का तापमान वास्तविकता से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा सी ऑप्शन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन्स टू अ विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स। द विसल हर्ड इज, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती और जाती हुई रेलगाड़ी को उसकी सीटी की आवाज़ को सुनता है, उसकी सीटी की आवाज़ क्या होगी। द सेम इन बोथ द केसेस इन ऑल द रिस्पेक्ट ऑफ हायर डेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव्स, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, ऑफ हायर पिच व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स। बताओ भाई, और ये आपको याद करना है, इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। यही था डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, जब आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, जब रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हो, जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाते हो, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो जब तक वो आपको क्रॉस नहीं करती है तब तक तो उसकी जो ध्वनि होती है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, मतलब उसकी पिच लगातार बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही वो आपको क्रॉस करेगी उसकी पिच क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। यहाँ बात किसकी हो रही है, पिच, मतलब ध्वनि की आवाज़ पहले तेज सुनाई देगी जब तक वो आप तक नहीं आ जाती, और जैसे ही आपको क्रॉस करेगी वो धीरे होती चली जाएगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जब वो हमारी तरफ आ रही होगी तो उसकी ध्वनि हमें ऊंची सुनाई देने लगेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लियर। ललित का आंसर, आप सभी को आवाज आ रही है? अगर आप सभी को आवाज आ रही है तो जल्दी से बताइए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू द क्लास, राइट। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दोबारा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक हमने बात कर ली थी, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, रांची इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। देखो ये फ्री का क्वेश्चन है, आप बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा रांची भारत की किस राज्य की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आंसर होगा कि झारखंड आंसर होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर बताओ भाई। कुलदीप ने कहा है डी ऑप्शन। देखिए आपसे पूछी गई है रांची, और आप जानते हो जो आपके हमारे जो MS धोनी हैं, ठीक है, तो वहां से याद रखो वो कहाँ के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड में रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि झारखंड जो जो रांची है वो झारखंड की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। ठीक है, रायपुर है। गोवा एक यूनियन टेरिटरी है, गोवा एक यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश की क्या है राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए क्या होगी, व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी सभी लोग बताओ क्या होगी। जल्दी से बताइए कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताओ भाई सभी लोग। ये तो बहुत आसान सी बात है, सबने पढ़ा है इसके बारे में।
ठीक है, शिमला हो जाएगी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, झारखंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, गोवा अपने आप में होगा क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास रिलीजियस कन्वर्जन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर, डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा डी, प्रीति इसका आंसर डी होगा, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सबसे बड़े पैमाने पर धर्म का परिवर्तन कराया था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है, हिस्टोरिक चंद्रागिरी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऐतिहासिक चंद्रागिरी किला किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर। मतलब ये सीधे सीधे क्वेश्चन, देखो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि हिस्टोरिक चंद्रागिरी फोर्ट, आपने पढ़ा भी होगा कि चंद्रागिरी किला जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इज इट क्लियर। आप सभी को ये बात समझ में आ रही है, सभी को आवाज आ रही है, ललित इसका आंसर तेलंगाना नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तेलंगाना बनने के बाद भी ये चंद्रागिरी फोर्ट अभी भी वहीं पर है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कह रहा है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्रीन्ड इन इट्स, भारत संविधान की कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श किसमें निहित किए गए हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 कहा जाता है, जिसको आप लोग याद कर लेते हो डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर भारत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में लिखा गया है, ठीक है, उसी को कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, 64 पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको नाम भी याद कराया है क्लास में, क्या नाम होता है, पेनिसिलिनियम नोटेटम, बताओ इसका जल्दी से आंसर क्या होगा, पेनिसिलिनियम नोटेटम क्या है, एक ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक फंगस होती है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लियर। जो पेनिसिलिन होती है वो एक फफून से निकाली जाती है, जिसका नाम होता है पेनिसिलिनियम नोटेटम, ठीक है, इसे निकाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था, फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अच्छा, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड में, ठीक है, ब्रेड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्गी के बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइकेंस को कहा जाता है नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक प्रदूषण सूचकांक के रूप में इसको जाना जाता है, क्लियर, प्राकृतिक प्रदूषण सूचकांक के रूप में इसको हम जानते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखो, मीदी स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है सीपीओएसआई में, ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीओएसआई में पूछा जा चुका है 2017 में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ, मीदी जो स्क्रिप्ट होती है उसका आलेख में कार्यरत है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए सभी लोग, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट थी वो मराठों की स्क्रिप्ट थी, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको डायरेक्टली ये चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मीदी स्क्रिप्ट साउथ में कहीं महाराष्ट्र में जाकर बनी थी, ठीक है, और उसका प्रयोग मराठा लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड, ठीक है। अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना स्टेट से कि आपको बोला गया है राज्य और पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए उसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। पवन लाइव जो है वो हर सैटरडे को होता है 9 AM पर, एवरी सैटरडे 9 AM, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस की शीट चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया हुआ है और एक पट्टी चल रही होगी आपके वीडियो पर, उस पर भी एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है आपको, आप डायरेक्टली वहां से ले सकते हो, ठीक है। आपको वहां से शीट मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपने इस्तेमाल भी किया होगा। भीम मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू मेक डिजिटल पेमेंट्स इजियर, व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। डिजिटल भुगतान के आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। भीम का संक्षिप्त रूप क्या है? सबने पढ़ा है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों ने भीम एप्लीकेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर डी होने वाला है, क्योंकि भारत इंटरफेस फॉर मनी बनाया गया था, इसी को भीम कहा जाता है। और इससे आप अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने ही बैंक अकाउंट में कर सकते हो, आप अपने भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हो, जिसको करना है उसके भी बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2017 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, 2017 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगी भारत की रैंक। बताइए भाई। अच्छा, कमल ने 68 का आंसर दिया है ए ऑप्शन, और कोई आंसर देगा? बात सही है भाई, 2017 में जो थे हम 60वें नंबर पर थे, ठीक है। तो ध्यान रखना 2017 में जो है हम 60th मार्क्स पर थे। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनर चाहता है कि आपको वो चीज़ें भी पता हों जो आज से 1-2-3 साल पहले पूछी गई हों, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अच्छा, 2019 वाला भी याद कर लो, रिलीज हो चुका है, भारत की उसमें 52nd रैंक है, ठीक है। 2019 में भारत 52वें स्थान पर है, 2017 में भारत कितने स्थान पर था? 60वें स्थान पर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन, लेकिन 2019 का भी आप याद रख लेना, GII का जब इंडेक्स आया था तो भारत उसमें 52वें नंबर पर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। द फर्स्ट इलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ उपनयन इज फाउंड इन, उपनयन का पहला विस्तृत विवरण पाया जाता है सप्तपथ ब्राह्मणों में, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, ये मतलब ये आपको सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है जब आपसे पुराणों के बारे में पूछ लिया जाता है, मतलब भारत के जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तब हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 69 का आंसर डी होगा ललित, 69 का आंसर डी होगा भाई, ठीक है, तो वो करेक्शन आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है। अ लार्जर फोर्स ऑन रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट्स इन लार्जर, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए बड़े बल का परिमाण। अब समझो एक बात भाई, मान लीजिए आपके पास एक ये है और यहाँ से इसको आपने फिक्स किया हुआ है, ये हिल नहीं सकता, और यहाँ से आप बल लगा रहे हो तो ये घूमेगा ऐसे, गोल घूमेगा, और जितना ज़्यादा बल लगाओगे
जितना ज्यादा बल लगाओगे ये उतनी तेजी से घूमेगा, और जितनी तेजी से घूमेगा इसका टाउ, टाउ का मतलब होता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, क्यू ई, टॉर्क होता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा आप ऐसे किसी को मारते हो, नहीं, जब आप पूरा हाथ घुमाकर मारते हो तो उतनी ही बल से ज़्यादा तेज लगती है, तो उसका टॉर्क बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ पाए हो, ठीक है, इसका टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है। और इस टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू ओमेगा, ओमेगा एफ जो होती है फ्रैक्शन वो होती है, इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ओमेगा जो होती है वो क्या होती है, वो इसे कहा जाता है एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो घूमने वाली गति है, घूमने वाला वेग है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, टाउ बराबर होता है एफ इंटू ओमेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या कह रहा है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द, ठीक है, बॉल लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किससे कम करने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है। तो आपने एक चीज़ समझी होगी, क्या समझी होगी, जब आप कोई लड़का, जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा, अगर आप डायरेक्टली बॉल को कैच करने लगो तो आपके हाथ में चोट लग जाती है, और जैसे ही बॉल को आप कैच करने चलते हो आप धीरे से अपना हाथ पीछे कर लेते हो ताकि आपको लगने वाली चोट कम हो जाए, मतलब बॉल और आपके बीच, आपके हाथ के बीच का क्या कम हो जाए, इम्पल्स कम हो जाए, इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, आवेग क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आवेग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को कैच करते समय बॉल को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 देखो क्या कह रहा है, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द वेसल दैट डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लीवर, कौन सी नलिका पोषक तत्वों से युक्त रक्त को पेट और छोटी आंत से यकृत तक पहुंचाती, ध्यान दो यकृत तक पहुंचाना है, तो ये कौन सी हो जाएगी, बता भी चुके हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये कौन सी होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, अब ये पेट और आंत को लेकर जोड़ती है, और जोड़ने के बाद ये क्या करती है, लीवर में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वहीं पर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वहीं पर आपका बाइल बनेगा, वहीं पर आपका अमोनिया अलग होगा, वहीं पर आपका यूरिया अलग होगा, और वही यूरिया निकलने के बाद क्या करता है, ब्लड में चला जाता है, और किडनी उसको छान कर क्या कर देती है, बाहर कर देती है। और ध्यान रखना ये सबसे बड़ी वेन होती है, सबसे बड़ी वेन मतलब लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन होती है हिपैटिक पोर्टल वेन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो ध्यान से, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, और ये आपको बता भी चुके हैं कि इसी को एरियोमीटर कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरियोमीटर, क्लियर हो गई बात। अच्छा, बाथोमीटर जो होता है ना, ये डेप्थ नापने के लिए होता है, डेप्थ, ठीक है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई नापने के लिए। क्रायोमीटर जो होता है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर को नापता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब कितना तापमान नीचे जा सकता है उसको नापने का काम करता है, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर को नापने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मानसी इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, साइमोमीटर नहीं होता है, इसका आंसर होगा एरोमीटर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पर आओ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू, संरचनात्मक बेरोजगारी कारण है किसकी वजह से, संरचनात्मक बेरोजगारी किसकी वजह से होती है, अरे ये तो पता होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वो होती है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, इनएक्टिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी बनाई, कंपनी में आपको ब्रेड बनानी थी, अब आप ब्रेड तो बनाने वाले हो, आपने आदमी रख लिए, भाई आपने दो आदमी कह दिए कि भैया तुमको ब्रेड बनानी है, उनको मशीन मत दो, मशीन मत दो और कह दो ब्रेड बनानी, कैसे बनाएंगे,
तो वो क्या है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इसको क्या कहा जा रहा है, संरचनात्मक। जब आपके सिस्टम की संरचना ही पूरी नहीं है तो उससे उत्पादन कैसे होगा। आपके पास आदमी है लेकिन संरचना नहीं है, आप चीजों को कर ही नहीं पाओगे तो करोगे कैसे, ठीक है। जब आपके पास मशीन ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। अब मशीनें कम कर दो, आदमी बढ़ा दो, संरचनात्मक बेरोजगारी हो ही जाएगी, उसमें तो क्या ही आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ गए, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या कह रहा है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ये भी क्लास में बता चुके हैं, वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें उसने उद्देश्य के रूप में भारत के पूर्ण स्वराज प्राप्त की मांग की थी, करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ये आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, लाहौर 1930 में, 1930 में। एक्चुअल में ये कहानी हो गई थी 1929 में, ठीक है, लेकिन 1930 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें ये बात कही गई थी कि भाई चलो अब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, ठीक है, हम पूर्ण स्वराज लेने की बात करेंगे। और इस ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कमल ने आंसर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। आप सभी को ये बात समझ में आ रही है ना, अगर आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से थम्स अप दो फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 75 तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, सो दैट वी कैन मूव टू द फर्दर सेक्शन। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या कह रहा है, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द रेनी सीजन ड्यू टू, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किस कारण आकर्षित होती हैं, जल्दी से बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता नहीं कितने एग्जाम में ये आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में रेनी सीजन के समय पर अलनीनो आता है। अलनीनो क्या आता है, बे ऑफ बंगाल में, कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आता है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट जो हमारा एरिया है वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वहाँ पर तापमान, वो जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब जब कम होगा तो हवा बहुत तेज़ी से बहेगी, हवा जब बहुत तेज़ी से बहेगी तो साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो भी उसकी तरफ बहती हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, एक्सरे कैन बी यूज्ड, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर प्रिया ने कहा है बी ऑप्शन, कमल कहते हैं बी ऑप्शन, बहुत सही, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू डिटेक्ट गोल्ड अंडर अर्थ। ध्यान रखना वो कार्डियक डिजीज नहीं बता सकता, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्स रेज जो होती हैं वो मसल को क्रॉस कर जाती हैं, मसल क्रॉस करती हैं, ठीक है, लेकिन बोन्स को क्रॉस नहीं करती हैं, बोन्स को क्रॉस नहीं करती, इसीलिए हम जब एक्सरे कराते हैं तो हमें हड्डी नजर आती हैं, कभी भी कार्डियक नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट गोल्ड अंडर द अर्थ। अच्छा, ये सी ऑप्शन गलत लिख गया है, इसमें हिंदी इंग्लिश एक ही, वो इंग्लिश दोनों की बराबर है, लेकिन हिंदी से देखोगे तो बहुमूल्य पत्थरों की बात कर रहा है, उसके लिए एक्सरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, आउटसाइड न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं एग्जाम में। हाँ कमल, वो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जिन्होंने इंग्लिश पढ़कर लगाया है उनके लिए सी बी ऑप्शन सही है, वो दोनों एक ही चीज लिखी गई है, ठीक है, तो उसमें इतना दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी जब पढ़ोगे तो वो अलग लिखी हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ
सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अल्टमान ने, अल्टमान और कोलिकर ने इसकी खोज की थी, अल्टमान और कोलिकर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, ठीक है, इसी को एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए कहा जाता है, या हम लोग इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, क्योंकि ये डीएनए एक्चुअल डीएनए से अलग होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, गोलगाई बॉडी की खोज की थी कैमिलियो गोलगाई ने, कैमिलियो गोलगाई ने की थी, और राइबोसोम्स की खोज की थी प्लेड ने, ठीक है, प्लेड ने की थी, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या कह रहा था, शिप बिल्डिंग यार्ड मजगांव डॉक, ये तो पढ़ा होगा आपने, इज लोकेटेड एट, पोत निर्माण यार्ड मजगांव डॉक कहाँ स्थित है, तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के, इंदिरा गांधी वाटर पोर्ट के पास है, ये कहाँ होगा, मुंबई में, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर भी कितना होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इज दिस क्लियर, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू मोलस्क, देखिए मोलस्का की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक कवर पाया जाता है कैल्शियम का, कैल्शियम का एक कवर पाया जाता है मोलस्का के ऊपर, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलियोटिस, ठीक, आंसर हो जाएगा सी। आपको, आपने पता नहीं हेलियोटिस देखा है कि नहीं देखा है, कभी गूगल करके देखिएगा, गूगल पर इसका बहुत अच्छी फोटो आएगा। थैंक यू विवेक, पता है बताने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिसमें आपको आंसर भी पता होने चाहिए और उसके साथ साथ चीज़ें भी पता होनी चाहिए आगे की, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेलियोटिस। मोलस्क में आप याद रखिए, मोलस्का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके, मोलस्क समझते हो ना, मोलस्क में आप ऐसे समझ लो कि उसके ऊपर बाहरी एक छोटा सा कैल्शियम का हल्का सा एक कवर पाया जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, निम्न में से कौन सा एक संघ राज्य नहीं है, नहीं है ढूंढाना है, तो नागालैंड आप सभी को पता है स्टेट होती है, ठीक, नागालैंड, नागालैंड एक स्टेट है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इज इट क्लियर, आप सभी को बातें समझ में आ रही हैं, बीच बीच में थम्स अप देते रहा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है और पुदुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये पेयर लिखा हुआ है गलत दिख गया है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए पहला बिल्कुल सही लिखा गया है, हर्षवर्धन ह्वांगसेंग होंगे, हर्षवर्धन ह्वांगसेंग होंगे, क्या पहला सही लिखा है, अच्छा इसमें अकबर की बात नहीं हो रही है, अकबर का आप लिख लो बीरबल के साथ, बीरबल, अकबर को लिख लीजिए बीरबल के साथ, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य चैतन्य नहीं होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है, ठीक है, विक्रमादित्य चैतन्य सही नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गुड मॉर्निंग भुवनेश्वर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 पर देखो क्या है, द लेजिस्लेचर गेन्स अ मेजॉरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव, बहुत ध्यान से समझना, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, और ये अपने यहाँ होता है, अपने यहाँ देखो विधायिका जो विधान बनाने वाले लोग हैं वो संसद में बैठते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते और अपने नीचे वालों की नहीं सुनते आईएएस अधिकारियों की, वो विधान बनाते हैं और आईएएस वालों से कहते हैं आप फॉलो करवाइए,
ठीक है, तो वो कार्यपालिका हो गई। विधायिका जो विधान बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक संसदीय सरकार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है जीएनपी, जीएनपी माइनस डीए, डीए को बोला जाता है डिप्रिशिएशन अलाउंस, और इसी को आप लोग क्या कह देते हो, एनएनपी, क्या बोलते हो, एनएनपी बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, शुद्ध राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा डी ऑप्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी, जीएनपी का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, किसी भी देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है। अच्छा, उत्पादन करोगे तो मशीनें खराब भी होंगी, मशीनें खराब होंगी ना, और खराब होंगी तो उनकी वैल्यू गिरेगी। भाई अगर आप कोई गाड़ी खरीद कर लाते हो, आज की डेट में मान लीजिए आपने 1 लाख की कोई गाड़ी खरीदी, 10 साल बाद उसे बेचोगे तो वो 1 लाख में नहीं बिकेगी, हो सकता है बिके ही ना। ठीक है, और बेचोगे भी तो वो कबाड़ी के दाम में बेचोगे, मान लो 10,000 की बेचे, 90,000 का डिप्रिशिएशन हो गया, अब आप क्या उससे अपनी कंप्लीट चीज बना सकते हो, नहीं बना सकते। लेकिन आपको उससे उस 10 साल के अंदर कुछ तो मिला होगा ना, आपको उस 10 साल के अंदर कुछ मिला, क्या मिला, आपको साधन मिला कि आप ये कहीं आ जा सकते हो, बात समझ पाए। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सोचकर किया कि हम कोई सामान लेकर आएंगे, उससे हम कुछ काम कराएंगे, जिसकी वजह से जिसके अंदर क्या होगा, कुछ समस्याएं पैदा होंगी, कुछ समस्याएं पैदा होंगी तो वो निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट, आप सिंपल समझ लो इसे, मेंटेनेंस कॉस्ट हम होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, वो निकाल दोगे तो वास्तविकता में आपको कितना लाभ हुआ वो मिल जाएगा, उसे कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे, ठीक है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे कौन सी होती है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किस किरण में होती है, तो आपको पता होना चाहिए और ये बता भी चुके हैं। सबसे कम अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें, पेनिट्रेशन पावर की अगर बात करें तो सबसे कम अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर गामा की होती है, फिर एक्सरेज की होती है, बल्कि गामा लिख लेते हैं, ठीक है, फिर एक्सरेज हो जाता, नहीं एक्सरे यहाँ पर लिखो, फिर जब एक्सरे लिख रहे हो तो यहाँ लिखो, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की होती है, क्योंकि गामा रेज होती हैं, ठीक है, और एक्स रेज होती हैं, जबकि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, इसको हीलियम पार्टिकल भी कहा जाता है, हीलियम पार्टिकल, इसे क्या बोलते हैं, जी रे, यही गामा रेज हो जाएंगी, ठीक है, गामा रेज हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, अल्फा रेज की होगी, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ डेट वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर ऑफ फर्स्ट। देखिए ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है और इसको पैरिटी बिट कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट कहा जाता है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट। एक्चुअल में पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी सिस्टम के अंदर लिखने की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, जब आप कर्नल्स पढ़ेंगे कंप्यूटर में, जो कर्नल्स होते हैं ना, कर्नल्स आपने देखे होंगे, कभी कभी सिस्टम ब्लू स्क्रीन दिखाता है, तो ब्लू स्क्रीन के जो कर्नल्स और बायोस होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो पैरिटी बिट से काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो आप डायरेक्टली इस चीज को याद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 87 पे आओ, आपके पास मैच द फॉलोइंग आया, जल्दी से मैच करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक, कैरोटीनॉइड क्या होता है, एक कैरेटिनॉइड एक क्विंचर होता है, ठीक है, और सुप्रोक्साइड डाइम्यूटेज क्या होता है, एक इंजाइम होता है। देखिए डाइम्यूटेज, कहीं पर भी वर्ड एज आ जाए ये हमेशा इंजाइम ही बनेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो A4 के साथ जाएगा, B जाएगा 1 के साथ, A4B1
और सी जाएगा टू के साथ और डी जाएगा थ्री के साथ, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर? तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है? प्रिया, आपको तो बताया भी था इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डाइम्यूटेज वर्ड कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है इंजाइम, ठीक है? इसका मतलब होता है इंजाइम, और इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? प्रशांत, इसका आंसर डी होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, केरला इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ध्यान रखना। ब्लैक सॉइल कपास के लिए भी होती है, कपास होती है, ध्यान रखना। कॉटन, आप सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए सफिशियंट इफेक्टिव स्टेरलाइजिंग एजेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिजल्ट व्हेन इट रीडली लूजेज वन एक्टिव ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमक अभिरंजक है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जब परिणाम देता है, जब वह तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म कर देता है। आप सबको पता है कि H2O2 होता है, इसमें से एक ऑक्सीजन अगर आप निकाल दोगे, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ए ऑप्शन, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, इन द नेशनल कंटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मैक्रो अप्रोच, बहुत ध्यान से समझना। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से बहुत दृष्टिकोण किसे दर्शाता है? बताओ भाई, किसको दिखाएगा? मैक्रो बताना है आपको, मैक्रो की बात की जा रही है, बहुत ध्यान से समझना। मैक्रो अप्रोच, इन्फ्लेशन इन इंडिया, ध्यान रखो। आपको यह भी बताया था कि डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन। मैक्रो अप्रोच का मतलब होता है जब आप बड़े स्तर पर सोचते हो, जैसे आप इस संस्था की बात करें तो इस संस्था में जो कुछ भी होगा वो एक माइक्रो अप्रोच होगी। क्यों? क्योंकि उससे बहुत कम लोगों को फायदा मिलने वाला है, बहुत कम लोगों को यूज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोगों को यूज नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो इन्फ्लेशन की, मुद्रा स्फीति की, तो उसमें हर आदमी परेशान होता है, देश का प्रत्येक व्यक्ति उससे संबंधित है, तो उसको उसके परेशानी होगी। तो मैक्रो अप्रोच रिलेटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जबकि माइक्रो अप्रोच रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर हम बोले कि एक इंडस्ट्री की बात कर लो, एक्सपोर्ट की बात कर लो, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के एक्सपोर्ट की बात कर लो। जैसे यहां पर बोला गया है बाटा शू कंपनी, अरे जो कुछ होगा वो बाटा शू कंपनी में होगा, उसको देश से क्या लेना लेना देना। अब कोई आदमी बाटा की चीज नहीं पहनता है तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या बाटा के शोरूम से? कुछ भी हो उसके अंदर। अगर कोई आदमी यूके में जाने के बाद आम नहीं खाता है तो आम इंडिया से जाए या ना जाए क्या ही फर्क पड़ेगा? रेलवे, जो आदमी घर से बाहर ही ना निकलता हो उसको रेलवे के किराए से क्या लेना देना? बात समझ पा रहे हो? तो दीज आर माइक्रो अप्रोचेस, दीज आर माइक्रो अप्रोचेस। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, भाई सांस के अलावा आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, उसमें आप पैसा खर्चा कर रहे हो, ठीक है? और अगर पैसा खर्चा कर रहे हो तो हर वो चीज जिसमें आपका पैसा खर्चा हो रहा है वो निर्धारित करती है कि आप कितना खरीद सकते हैं और कितना नहीं खरीद सकते हैं। देयरफॉर इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो अप्रोच, नॉट अ माइक्रो अप्रोच, क्लियर बात हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कितना आसान सा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हिंदुस्तान में कहां पर हुआ था, जल्दी से बताओ। इसका आंसर तो सबको याद भी होना चाहिए, अमृतसर में हुआ था 1919 में, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिया का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, द पंचायत समिति रिमेन अकाउंटेबल टू इट्स फंक्शन टू, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए देकर उत्तर दे, जवाब दे होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो जिला परिषद के थ्रू होता है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 92 का आंसर होगा सी ऑप्शन, इज इट क्लियर?
जो पंचायत समिति, देखो पंचायत समिति बनाई जाती है और ये हर ब्लॉक में बनाई जाती है, हर जिला पंचायत और जितनी भी जिला परिषदें होती हैं उसके प्रति ये उत्तरदायी होती है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। टू होम द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बताओ भाई, ये तो बचपन में भी पढ़े होगे, क्लास 9th में भी पढ़े होगे, इनकी कविता भी आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, ये पूरी लाइन आपने पढ़ी होगी। और ये किसने कहा था? जॉन कीट्स ने कहा था, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉन कीट्स, जिन लोगों ने इंग्लिश में पोएट्री और प्रोज वाली किताब पढ़ी होगी, प्रोज और पोएट्री की किताब पढ़ी हो, ठीक है? प्रोज और पोएट्री की किताब में आपने विलियम वर्सवर्थ को भी पढ़ा होगा, चार्ल्स डिकेंस को भी पढ़ा होगा, जोनाथन स्विफ्ट को भी पढ़ा होगा, विलियम और विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ा होगा। जोनाथन स्विफ्ट हो गए, जॉन कीट्स हो गए, तो इन सभी ने क्या है, ये सब इंग्लिश के महान मतलब कवि हैं, ये इंग्लिश में लिखते थे, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 94 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है, इनमें से कौन सा ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, देखो सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए। अच्छा आगे बढ़ गया, एक सेकेंड। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। इसकी अवधारणा रखी गई थी 1944 में, ठीक है, 1944 में। और इसमें कौन कौन शामिल है? अमेरिका शामिल है, कौन कौन शामिल है? यूएसए, आप लिख लो यूएसए, कैनेडा, ये कभी कभी आ जाता है, कौन सा भारत इसमें है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके अंदर है। और ये जो सम्मेलन हुआ था 1944 में हुआ था, ठीक है, 1944 में एक वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें एक वुड्स एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके बीच हुआ था, ठीक है? और इसका आंसर हो जाएगा और ये वाला जो आपका ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका एक भाग नहीं है, मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका एक भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आप सभी ने आंसर सही दिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये याद रखना कि ब्रिटन वुड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 95 देखो, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। आप सभी ने पढ़ा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे होता है, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये चाइना से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? रशिया तक जाती है, चाइना से रशिया तक का कनेक्टिंग है, ठीक, ओ सॉरी चाइना से नहीं, ये सैन फ्रांसिस्को से जाती है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से जाती है मॉस्को तक, सैन फ्रांसिस्को से मॉस्को तक जाती है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखो क्या कह रहा है। द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ अ रिवर कोर्स, नदी मार्ग का सोपन प्रोफाइल क्या होता है? सोपन प्रोफाइल का मतलब समझते हो? मतलब जब नदी आपकी एक जगह से उद्गम स्थल से चलती है और जहां मिलती है तो वो धीरे धीरे अपने साथ मिट्टी को भी लेती है, अपरदन जिसको कहा जाता है, वो मिट्टी को भी साथ में लेकर चलती है। बहुत जगह आपकी मिट्टी मोटी हो जाती है, बहुत जगह आपको रेतीली मिट्टी मिलती है, बहुत जगह आपको बलुई मिट्टी मिलने लगती है, ठीक है, और बहुत जगह दलदल होने लगता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको कहा जाता है ग्रेडेड प्रोफाइल, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 97 पर आओ, देखो क्या कह रहा है। एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ठीक है, बिकॉज इट इज, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है? ध्यान दो, इसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो अनिवार्य अमीनो एसिड मानव शरीर में नहीं बन सकता,
ठीक है, उसे वो बाहर से ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक। इसीलिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जब हम नॉनवेज वाला जो मीट की बात करते हैं, जो आप लोग मीट की बात करते हो, तो नॉनवेज में क्या होता है कि वहाँ पर सारे के सारे एसेंशियल पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, और सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 98 को देखो, एलेंटोइस ऑफ एम्ब्रियो। देखिए एलेंटोइस जो होता है वो बहुत सारे काम करने के लिए काम करता है, ठीक है, लेकिन जो इसका मेन काम होता है ना, वो काम होता है एक्सक्रीशन। एक्चुअल में जो एलेंटोइस होती है वो एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एलेंटोइस, एलेंटोइस क्या होती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखो जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, भ्रूण बन रहा होता है, तो उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है, ताकि भ्रूण को शॉक से बचाया जा सके, और उसके जो उत्सर्जन होंगे वो डायरेक्टली मदर को नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, क्योंकि मदर से शिशु को जोड़ने वाली प्लेसेंटा होती है, उसमें सिर्फ आपका भोजन जा सकता है और डिजॉल्व फूड मटेरियल जा सकता है। इसके अलावा जो उत्सर्जन उसके यूरिनेशन से हो गया है वो कैसे बाहर जाएगा, वो भी तो बाहर जाना जरूरी है ना, तो उसके लिए हमारे यहाँ एलेंटोइस होती है, ठीक है, एलेंटोइस होती है, और ये एलेंटोइस क्या कराती है, उत्सर्जन कराने का कार्य करती है। क्लियर हो गई बात, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99 पर, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय। कितनी बार आपने ये चीज पढ़ी है कि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का जो, सौर ऊर्जा का जो अधिकतम स्थिरीकरण होता है वो कौन करता है, तो ये सभी आप सभी ने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि जो जितना ज्यादा ले पाएगा वही कर पाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले विरंजक का नाम क्या होगा, आप सभी को पता है क्लोरीन कितनी बार इस्तेमाल किए हो, जब आपसे कोई चीज साफ नहीं होती है तो आप सीधे बोलते हो इसको क्लोरीन से साफ कर दो, ठीक है, क्लोरीन लगा दो साफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इज इट क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये 50 क्वेश्चंस आप दोबारा जरूर पढ़िए, क्योंकि इनसे क्या होगा ना, दोबारा पढ़ोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपके यहाँ एक पट्टी चल रही होगी, उस पर व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा, वहाँ से आप इस शीट को प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग द क्लासेस, थैंक यू।